स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा अब लेगी एक नई प्रतिज्ञा। अनुपमा अब एकदम बदल सी जाएगी। अपने दुश्मन का अनुपमा डट कर मुकाबला करेगी, लेकिन अनुपमा का दुश्मन आखिर है कौन? तो सुनिए, अब हम आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। अनुपमा जब से डांस एकेडमी चला रही है, तब से अनुपमा का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। वो खुद पर यकीन करने लगी है, वो खुद के लिए जीने लगी है। दूसरों की खुशियों के लिए उसने जीना छोड़ दिया है, और इसीलिए सभी घर वालों के सामने, यानी शाज और उसके खुद के घर वालों के सामने, अनुपमा साफ साफ ऐलान कर देगी कि जो कोई भी उसको बेचारी कह के बुलाएगा, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हर किसी ने अनुपमा का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया है, फिर वो चाहे शाज हो, कपाड़ियाज हो या फिर हो माया। अनुपमा ने बिना किसी स्वार्थ के हमेशा सबका साथ दिया है। खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचा अनुपमा ने, लेकिन फिर भी जो कोई भी आया, उसने अनुपमा का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया है। किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, उसने सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का साथ चाहा, और अनुपमा ने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद भी की है। इन सब के बीच में अनुपमा के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इस औरत की भी खुद की लाइफ है। अनुपमा पूरी तरह तब टूट गई जब अनुज तक ने उसे ठुकरा दिया और वो उसे छोड़कर माया के पास चला गया। फिर वो भले ही छोटी के लिए गया हो, इसलिए अब अनुपमा अपने आप से ये प्रतिज्ञा लेती है कि वो आज से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिएगी, ना अपने एक्स ससुराल वालों के लिए, ना अपने प्रेजेंट पति के लिए, ना अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही लिए जिएगी। और उसको जो भी कोई बेचारी कहेगा, वही अनुपमा का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। बेचारी बनकर इतने समय तक अनुपमा जी, लेकिन फिर भी कभी किसी ने उसकी कदर नहीं की। हालांकि अनुज ने एक बार घर में फोन करके जरूर कहा था, मेरी अनु को कहना मेरा इंतजार करे, मैं वापस जरूर आऊंगा। उसका अनुज उसे वापस लेने जरूर आएगा। अनुपमा अपने अनुज का इंतजार तो करेगी, लेकिन अब से वो किसी के भी सिंपैथी का मोहताज नहीं होगी। इस बदली हुई अनुपमा से आप सब बहुत जल्द मिलेंगे। इस सीरियल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।